हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस आज मैं अर्पिता दी है, मतलब जो अर्पिता घोषाल है, उनका ही मैं मेकअप लुक, इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ। मतलब जो उन्होंने मेकअप लुक किया था उनका ही वो मेकअप लुक मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। सो देखते हैं गाइस किस तरह से ये मेकअप लुक क्रिएट होता है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप अर्पिता घोषाल जी को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप नहीं जानते हो तो मैं उनकी जो YouTube की चैनल की लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनके चैनल को ज़रूर जाके चेक कीजिए। सो उसके बाद गाइस हम अपने मुड़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, मतलब अपने रिक्रिएशन की तरफ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेटिंग प्रोसेस पहले ही कर ली है और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चराइज़र लिया है क्योंकि मुझे फेस को अपने हाइड्रेट करना था, तो मेकअप होता है ना तो फ्लॉलेस लगता है इसलिए। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर जो होता है वो, मतलब कंसीलर पैलेट में ही था कलर करेक्टर, सो वही लिया है मैंने। और जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है तो दो पिंपल्स आए थे तो वहाँ वहाँ मैंने लगाया है क्योंकि वो विजिबल नहीं होने के लिए। सो उसके बाद मैं अंडर आई को अपने कंसील कर रही हूँ वही कंसीलर पैलेट से। आपको पता ही होगा मैं रेगुलर वही कंसीलर पैलेट यूज़ करती हूँ, तो उसी कंसीलर पैलेट से मैं आप उसी तरह का, मतलब जो फेस है उसी कंसील कर रही हूँ। उसके बाद जो मेबेलिन फिट मी का जो फाउंडेशन है उसका मेरा शेड है 335 क्लासिक टैन। सो उसके यूज़ से मैं अब यहाँ पे मेरे पूरे फेस को फाउंडेशन लगा रही हूँ और पूरी तरह से उसे फैला रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर के, मतलब हेल्प से। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी की जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसकी हेल्प से पूरे बेस को अपने सेट कर रही हूँ। अगर आपने अपने बेस को पूरी तरह से सेट नहीं किया तो वो क्रैकी सा दिखने लगेगा। सो उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेकअप फिक्सर होता है उसकी हेल्प से मेरा बेस सेट कर लूँगी। उसके बाद आती है आईब्रोज की बारी, और आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास म्यूजिक फ्लावर का जो आईलाइनर था उसकी हेल्प से मैं अपने ब्राउन शेड उसके लिया है मैंने, और उसकी हेल्प से मैं आईब्रोज के फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरे पास आईब्रो ब्रश है उसकी हेल्प से मैंने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज थोड़े से रुके से दिखने लगे थे, तो सो मैंने सोचा कि आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास जो ब्लू हेवन का पेंसिल आईलाइनर है उसकी हेल्प से थोड़ा सा डार्क ही, मतलब थोड़ा सा चौड़ा ही मैं यहाँ पे आईलाइनर स्केच कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना कुछ वो कहते हैं ना विंग आईलाइनर, उसकी तरह से कुछ क्रिएट कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से क्रिएट कर रही हूँ। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे मैंने कुछ चौड़ा सा ही आईलाइनर क्रिएट किया है क्योंकि अर्पिता घोषाल जी ने भी वैसे ही क्रिएट किया था, सो इसीलिए मैं भी वैसे ही कर रही हूँ उनकी तरह ही। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा आईलाइनर ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं गाइस किस तरह से लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास आई शेडो था उसकी हेल्प से उसमें से मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो पिक किया है और वो मैंने आईलाइनर पे मैं लगा रही हूँ, मतलब वहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने आईलाइनर लगाया है ऊपर, मतलब आईलिड पर या फिर आईलिड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे मैं उसे मतलब प्रेस कर रही हूँ, बस मैं खींच नहीं रही हूँ, बस प्रेस ही कर रही हूँ। उसके बाद उसी सेम तरह का मैं दूसरे आईज़ को भी कर लिया है और उसके बाद मैं अब उनका जो विंग आईलाइनर है वो ड्रा कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने आउटर कॉर्नर पे विंग आइलाइनर क्रिएट किया है उसी तरह से मैं इनर कॉर्नर भी कर लेने वाली हूँ, मतलब जो पॉइंटेड होता है ना उसी तरह से मैं करने वाली हूँ, पॉइंट इनर कॉर्नर पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से ही करना है क्योंकि कुछ अर्पिता दी ने भी ऐसे ही किया था इसलिए। आईलाइनर क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा। सो मस्कारा लगाने के लिए जो मेरे पास ब्लू हेवन का मस्कारा है उसी में यूज़ कर रही हूँ और अपने आईलैश को मैं वॉल्यूम दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरे पास आई शेडो है, मतलब आई शेडो पैलेट है उसमें से मेरे पास जो क्रीमी का सा कुछ शेड है उसकी हेल्प से मैं अपने क्रीज को पूरी तरह से उस पर ब्लेंड कर लूँगी, मतलब जो आई शेडो है वो मैं क्रीज के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही आपको करना है क्योंकि नेचुरल लुक है इसमें, सो थोड़ा थोड़ा सा ही करना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कॉन्टोर है वो नहीं किया था पहले, सो यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने पूरे फेस को। आपको कुछ हार्स कॉन्टोर नहीं करना है, आपको लाइट ही कॉन्टोर करना है। अगर हार्स कॉन्टोर किया तो फेस अजीब सा ही दिखने लगता है, सो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही कॉन्टोर करना है। नोज़ का एरिया आपको अच्छी तरह से कॉन्टोर कर लेना है
और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मेरे पास जो स्टे क्वर्की का जो ब्लश है वो यूज़ करके मैं अपने चीज़ को ब्लशी बना रही हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा ही ब्लश यूज़ करना है, अगर आपने ज़्यादा ब्लश लिया तो वो पैची सा दिखने लगता है और ऐसे लगता है कि कुछ आपने लगाया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो ब्लू हेवन का मेरे पास ब्लश है, मतलब ब्लश का मुझे हाईलाइटर इस तरह यूज़ करती हूँ मैं इसे, सो उसका मैं हाईलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ ऊपरी हिस्सा है वहाँ वहाँ आपको हाईलाइटर कर लेना है। उसके बाद उसी हाईलाइटर का यूज़ करके मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, और आईब्रोज़ के नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे लिपस्टिक, सो मैंने यहाँ पे न्यू लिपस्टिक प्रेफर की है, मतलब अर्पिता दी ने भी यहाँ पे न्यू लिपस्टिक भी लगाई थी, सो इसके लिए मैंने क्या किया है कि NYBA की न्यू लिपस्टिक है वो प्रेफर की है। उसके बाद मुझे एक अलग सा कलर चाहिए था अर्पिता दी की तरह, तो मैंने यहाँ पे बेला वेस्टा की लिप क्रेयॉन था सो उसका ही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद वो थोड़ा सा ग्लॉसी लगने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास लिप बाम है ना हिमालय का, तो उसका मैंने यूज़ करके वहाँ पे प्रेस किया है, यहाँ पे वहाँ पे लगाया है और थोड़ा थोड़ा सा ग्लॉसी मैंने लिपस्टिक बनाई है, तो एक अच्छा सा लुक निकल के आया था।